सी एनी अवार्ड शो हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है. यहाँ हम एक एक्टर को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और इतने सारे फिल्म्स को सारे इंटरनेशनली फिल्म्स को इनकॉर्पोरेट करना और उनको अवार्ड देना. सो कंग्रेचुलेट टू निफ फॉर द 8th अवार्ड. मेरा यहाँ आने की दो रीज़न है. एक तो मेरी फिल्म मर्डर माधुरी जो रिलीज़ हो रही 29 जुलाई को, सो बेस्ड ऑन रेप केस के मर्डर के जिस लड़की का रेप होता है उसकी तो डेथ हो जाती है, वो तो बेचारी ख़त्म हो जाती है, बट उसके साथ उसका खानदान, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है. एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट रेप, हाउ कैन हम लड़कियों कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है. एंड थैंक्स टू मिस्टर खान एंड अयूब खान, उन्होंने ये फिल्म में इंटरेस्ट लेकर उसे रिलीज़ कर रहे हैं. सेकेंडली मेरी सिस्टर आरती नागपाल ने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई फॉट आई सर्वाइव, जो हम सबकी कहानी है, तो उसे इस निफ में अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सो आई एम हियर फॉर टू सेलिब्रेशन एंड सपोर्ट बोथ माय फिल्म एंड माय सिस्टर. थैंक यू. बहुत सी जी ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी किसी के भी काम को जब सराहा जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हर टेक्नीशियंस, हर एक्टर, एवरीथिंग. और जब उन्हें अवार्ड मिलता है, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तो इट्स वेरी नाइस थिंग. सो आई थिंक ऑल एक्टर्स शुड सपोर्ट एंड हर एक्टर सपोर्ट ही करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं. सो आई एम हियर टू सपोर्ट माई फिल्म, आई एम हियर टू सपोर्ट निफ फॉर एन अवार्ड एंड आई एम हियर टू सपोर्ट माई सिस्टर आरती, आरती नागपाल, हु वॉन एन अवार्ड फॉर आई फॉट आई सर्वाइव. थैंक यू. बात करें लाइफस्टाइल क्या है मेरी लाइफ से, मेरा सिंपल फंडा है लिव एंड लेट लिव, खुद खुश रहो दूसरों को खुश रहने दो. जिंदगी बहुत छोटी है, किस कौन कहाँ कब टपक जाए पता नहीं चलता, इसलिए एंजॉय एवरी मोमेंट. थैंक यू. खुश रहो. बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के बारे में? हाँ, अच्छा है, अच्छा प्रयास है. नासिक से ये फेस्टिवल निफ का यहाँ मुंबई में आया है, यहाँ भी ये फंक्शन हो रहा है, अच्छा सा हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस होते रहें और हम कलाकारों को, टेक्नीशियंस को ये ऑनर और ये प्रोत्साहन मिलता रहे. इसमें फिल्म का प्रमोशन भी था, एक तो फिल्मों का जी पूरा मतलब मिक्स कह सकते हैं इसी में जी. हाँ, अच्छी बात है ना कि फिल्म, नई नई जो फिल्में आती हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आती हैं, उनका इनके ज़रिए प्रमोशन होता रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है. सर, एक पुराना टाइम था, दूरदर्शन पर आप छाए रहते थे, आज टाइम बदल चुका है काफी. मैं वही हूँ और मैं अभी भी काम करता रहता हूँ. तो अभी क्या, किस चीज़ में बिजी है? अभी एक नया प्रोग्राम आएगा जिसके बारे में इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, और फिल्म भी आ रही है. थैंक यू सर. चलो सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपका नाम? जी, मेरा नाम इंद्रवीश योगी है, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ. और आज की इवेंट की बात करें जी, आज की इवेंट देखो, बहुत सारे अवार्ड फेस्टिवल आ गए हैं आजकल मार्केट में, लेकिन जो टेक्नीशियंस के लिए जो अवार्ड शुरू किया है, ये एक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. बहुत अच्छी बात है कि जो कैमरे के आगे जो लोग दिखते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे दिखते हैं और उनके लिए अवार्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे जितने सैकड़ों लोग जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड शुरू किया गया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग. सबसे अहम इसलिए है कि आप अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे, क्या है बताइए. नहीं, ऑफ कोर्स मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, तो मैं हम अपने टेक्नीशियन के फेवर की बात करेंगे. लव के फंडे जो है एक रोमांटिक कॉमेडी है, और एक यू कैन से इट्स ए यूनिक रोमांटिक कॉमेडी. हम रिलेशनशिप स्टेटस की बात करते हैं, हम फेसबुक व्हाट्सएप पे आजकल रिलेशनशिप स्टेटस देखते हैं, सिंगल, मैरिटल, लिव इन, कॉम्प्लिकेटेड, कमिटेड, बहुत सारे रिलेशनशिप स्टेटस बन गए हमारे, तो उन सब रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में हम बता रहे हैं. और आज का हमारा जो यूथ है वो, उनका क्या परसेप्शन है लव के बारे में. पहले का एक दौर था जब रोमांस को एक अलग एंगल से दिखाया जाता था, या प्यार एक अलग तरीके का होता था, एक दूसरे को प्रपोज करने में ही एक लंबा टाइम गुजर जाता था. आज हम जिस व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में जिसमें हम आज हैं, उस पर सुबह हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, शाम को फेसबुक पे ऐड करते हैं, रात में व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, और अगले दिन हमारी डेट हो जाती है, और 24 आवर के अंदर अंदर ब्रेकअप भी हो जाता है, और ब्रेकअप पार्टीज भी रखी जाती है. आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो मासेस पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों व्यूज़ है.
देखो सोशल मीडिया जहाँ पॉजिटिव हो गया है, देखिए आज से हम बहुत पहले की बात करें तो कुछ भी एक कोई इंसिडेंट होता था, जैसे आज एक नेपाल में एक घटना हुई या कहीं भी कोई एक इंसिडेंट होता तो हम सोशल साइट के जरिए हम तुरंत एक दूसरे का साथ सर्कुलेट कर सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव है। और नेगेटिव ये है कि हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आज नहीं होना चाहिए लेकिन आज अगर होता गुलाम तो हम लोग व्हाट्सएप पर ही लड़ाई लड़के हिंदुस्तान आज़ाद करा लेते, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिल्म का नाम जो है, जी फिल्म का नाम लव के फंडे हैं, इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ लव। आज प्यार को किस दौर पे हम लोग ले आए हैं, हमारा यूथ ले आया है उसको एक बड़े ही डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में हमने दिखाया है फिल्म को, और लव के हर एक एंगल को हमने कुरेदने की या दिखाने की कोशिश की है। अगेन इट्स अ रोमांटिक फिल्म बट इट्स अ कॉमेडी। टोटल मिला के हरियाणा ने नट गाड़ दिया है। हाँ जी, क्योंकि हरियाणा के जो है ना ब्लड में ही ह्यूमर है, लट गाड़ दिया। हाँ बिल्कुल लट गाड़ दिया। और तो जरूर देखिए, 22 जुलाई को आ रही है लव के पंडे। इसकी खूबसूरती क्या है कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, ऑलरेडी दर्शक पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे प्रोमोज आ रहे हैं और सोशल साइट पे और हमारे लव के फंडे पेज पे, फेसबुक पेज पे भी बहुत सारे कमेंट्स और रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एप्रिशिएशन अच्छा।